आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है रेडियाना। रेडियाना 2010 से इंडिया में काम कर रही है और साथ में इनके पास 15 से ज्यादा साइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा ब्रांच है इंडिया में। और गाइस यहाँ पे 24/7 का आप सभी को कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। तो आप लोग को नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग जाकर व्हाट्सएप पे इनको कॉन्टैक्ट कीजिए और सभी डिटेल्स ले लीजिए। कमेंट में इनका सभी डिटेल्स आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए रेडियाना से। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिस हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में। तो गाइस यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स की तरफ से अपडेट सामने निकल कर आ रही है। उसके बाद गाइस यहां पे दिनेश कार्तिक की तरफ से अपडेट सामने निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहले गाइस अपडेट निकल कर आ रही है दिनेश कार्तिक की तरफ से। तो गाइस पे दिनेश कार्तिक ने गाइस पे आकाश चोपड़ा के साथ गाइस उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट किया था। आकाश चोपड़ा ने गाइस पे पूछा था कि टीम इंडिया में क्या आप यहाँ पे कमबैक करने वाले हैं। तो उसके बाद गाइस पे दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं पूरी तरह से टीम इंडिया में वापसी करना चाहता हूँ और मैं वापसी करूंगा भी। और उसके बाद गाइस उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में वापसी करने के लिए मुझे सबसे पहले आईपीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल एक कमाल का प्लेटफॉर्म है। अगर आप आईपीएल में परफॉर्म करते हो तब आपका टीम इंडिया में जगह बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि गाइस मुझे आईपीएल में सबसे पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर मैं आईपीएल में परफॉर्म करता हूं तो मैं टीम इंडिया में जा सकता हूं और टी20 वर्ल्ड कप में शायद आप सभी को दिनेश कार्तिक नजर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको आईपीएल में पूरी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा आरसीबी की। इसलिए हम सभी को दिनेश कार्तिक इतनी ज्यादा गाइस पे रन बनाते हुए नजर आ रहे लास्ट के कुछ ओवर्स में। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है एबी डिविलियर्स की तरफ से। तो गाइस एबी डिविलियर्स ने गाइस एक स्टेटमेंट दिया जहां पे आप लोग इसको रीड कर सकते हो कि मेकिंग मी फील लाइक आई वांट टू गो एंड प्ले क्रिकेट अगेन बाय वॉचिंग हिम प्ले प्लेइंग मिस्टर 360 डिग्री ही प्ले अंडर प्रेशर एंड मेकिंग मी एक्साइटेड। तो गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स ने गाइस यहां पे डीके को लेके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो गाइस यहां पे भले आईपीएल से दूर हैं एबी डिविलियर्स, लेकिन आईपीएल से दूर नहीं भी है। अगर हम लोग बात करें इंडिया में नहीं है एबी डिविलियर्स, लेकिन साउथ अफ्रीका से भी गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स आरसीबी के सारे मैच को गाइस यहां पे फॉलो कर रहे हैं एंड कौन से खिलाड़ी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स पूरी तरह से आरसीबी की टीम को फॉलो कर रहे हैं और एक सच्चे वाले आरसीबीएन है एबी डिविलियर्स। तो गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स के लिए आज एक कमेंट तो बनती है और नेक्स्ट ईयर हम सभी को आईपीएल में नजर आने वाले एबी डिविलियर्स आरसीबी के एज अ मेंटोर की तरफ से हम सभी को नजर आने वाले। तो डोंट वरी, बहुत जल्दी हम सभी को एबी डिविलियर्स आईपीएल में देखने को मिलेंगे। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप की तरफ से। तो गाइस पे आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप की बात करें तो गाइस पे हम सभी को दिनेश कार्तिक गाइस पे काफी ज्यादा फायर करते नजर आए हैं। जी हाँ गाइस, जहां पे नेट प्रैक्टिस की बात करें तो गाइस पे बड़े बड़े शॉट लगाते हुए हम सभी को नजर आए हैं दिनेश कार्तिक। उसके साथ बात कर लेते गाइस पे फैफ डुप्लेसी विराट कोहली के बारे में। तो यहाँ पे विराट कोहली साथ में गाइस पे फैफ डुप्लेसी साथ में ग्लेन मैक्सवेल भी हम सभी को नजर आए हैं और गाइस पे सारे के सारे खिलाड़ी हम सभी को पूरी तरह से गाइस पे बड़े बड़े शॉट लगाते हुए नजर आए हैं। स्पेशली गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फैफ डुप्लेसी के बारे में, स्टार्ट देना पड़ेगा फैफ डुप्लेसी को। तो गाइस पे फैफ डुप्लेसी यहाँ पे पावर प्ले में गाइस पे बड़े बड़े शॉट लगा सके, इसलिए गाइस पे बड़े बड़े शॉट लगाने की पूरी तरह से गाइस तैयारी कर रहे हैं और आज शायद हम सभी को फैफ डुप्लेसी के बल्ले से एक बड़ा रन देखने को मिल सकता है। हम लोग फैफ डुप्लेसी से गाइस यहां पे यही उम्मीद करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो गाइस पे आज शायद विराट कोहली का बल्ला चल सकता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज विराट कोहली के बल्ले से हम सभी को 50 रन देखने को मिल सकता है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो गाइस ये अपडेट सामने निकल कर आ रही थी आरसीबी की टीम की तरफ से। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।